हाय दोस्तों, वेलकम टू कैश कर। मेरा नाम है अर्षी बेग और मैं आज आपको बताऊंगी iOS 15 के बारे में कि आपको क्या नया नया फीचर्स इसमें देखने मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना मत भूलना ताकि हमारे सब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसे हम कोई नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे कि iOS 15 में हमें क्या नया देखने मिलेगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि iOS 15 इस मंथ यानी सितंबर में ही आपको देखने मिल जाएगा और हम जिसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि iOS 15 आएगा, उसमें भी आपको iOS 15 देखने मिलेगा, लाइक आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस में। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें iOS 15 होगा, पर है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डिवाइसेस में iOS 15 देखने मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं iOS 15 के बारे में। तो मैं आपको सजेशन देना पसंद करूँगी कि अपने एक लौते आईफोन के ऊपर डेवलपर या बीटा वर्जन प्लीज़ डाउनलोड ना करें, आपकी बैटरी सफ़र कर सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको इसी मंथ में iOS 15 का अपडेट देखने मिल जाएगा। सबसे पहले बात इवेंट में फेस टाइम की हुई है, तो फेस टाइम में आपको ये बार बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देखने मिलेंगे। तो आपको पहले ही दो फीचर्स देखने मिलेंगे फेस टाइम पे, वो है माइक पे। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन माइक में मिल जाएगा आइसोलेशन मोड एंड सेकंड मिलेगा वाइड मोड। आइसोलेशन मोड में आपको यह रहेगा कि जब आप किसी से फेस टाइम या वीडियो कॉल पर बात कर रहे होंगे तो अगर आप आइसोलेशन क्लिक कर दोगे तो आपकी आवाज़ ही सामने वाले को जाएगी, आजू बाजू की आवाज़ सामने वाले को नहीं जाएगी, लाइक नॉइस कैंसलेशन जैसा हो जाएगा। एंड सेकेंड है वाइल्ड, अगर आप वाइल्ड पे क्लिक करके फेस टाइम या वीडियो कॉल करोगे तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, आपकी भी आवाज़ सामने वाले को जाएगी और आजू बाजू की आवाज़ भी सामने वाले को जाएगी। तो ऑडियो के बाद और भी चेंजेस आपको फेस टाइम में देखने मिलेंगे। तो जैसे ही पेंडेमिक के बाद लोग जूम और फेस टाइम ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं तो आईफोन ने यही चीज़ देकर और फीचर्स बढ़ा दिए हैं फेस टाइम में। तो आपको दूसरा फीचर इसमें मिलेगा ग्राइंड व्यू। ग्राइंड व्यू में आपको ये मिलेगा कि अगर मतलब सबसे पहले तो आप लार्ज ग्रुप में बात कर सकते हैं एंड सेकेंड अगर जो इंसान बात कर रहा है उसकी स्क्रीन हाईलाइट होगी एंड थर्ड जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है वो है पोर्ट्रेट। तो अगर आपका फ़ोन पोर्ट्रेट सपोर्ट करता है तो आप जब किसी से वीडियो कॉल पर बात करोगे तो फ्रेम सिर्फ आपको ही लेगा और पीछे जो भी चीज़ है उसको ब्लर कर देगा, तो ये है ना अच्छी चीज़। अगर हम फेस टाइम की बात करें तो हमें इसमें नया चीज़ देखने मिलेगा जो है फेस लिंक, जिसमें आप खुद से अपनी लिंक क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको जिससे बात करनी है उसको व्हाट्सअप मैसेज या ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि अगर आप एप्पल यूज़र हो और आपके फ्रेंड्स जो भी है जिससे आपको बात करनी है वो एप्पल यूज़र नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट या क्रोम यूज़ करते हैं, तो आप उनको ये लिंक भेज सकते हो, तो वो भी आपको वीडियो चैट कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर प्ले में आपको ये देखने मिलेगा कि अगर आप सामने वाले के साथ में फेस टाइम पे है तो आप लोग साथ में सॉन्ग भी सुन सकते हो फेस टाइम के अंदर ही और मूवीज़ भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको सॉन्ग सुनना है तो आप म्यूज़िक ऐप में जाकर सॉन्ग प्ले करके स्ट्रीम कर लोगे तो आप दोनों साथ में ही फेस टाइम के अंदर बात करते करते सॉन्ग भी सुनोगे। वैसे ही अगर आप फ्रेंड्स लोग हो, फेस टाइम कर रहे हो, आपको कोई मूवी साथ में देखनी है या कोई सीरीज साथ में देखनी है तो आप भी कोई मूवी प्ले करके स्ट्रीम करोगे तो आप सारे लोग साथ में एक ही फेस टाइम में ही आप सब साथ में मूवी देख सकोगे।
और अगर हम बात करें एक और चेंज की, तो इसमें हमको मिलेगा शेयर योर स्क्रीन। शेयर योर स्क्रीन में आपको ये करना होगा कि अगर आपकी फ्रेंड के साथ में फेस टाइम पे हो और अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है उसको गूगल से किसी से, तो आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस टाइम पे ही अपनी स्क्रीन शेयर कर लोगे उसके साथ में, तो आप जो दिखाना चाहते हैं उसको अपने फ़ोन में वो उस टाइम उसके फ़ोन में देख सकती है। एंड सेकेंड है इमोजी। इमोजी में आपको ये बार ज़्यादा कस्टमाइज चीज़ें मिल जाएगी, 40 आउटफिट्स मिल जाएंगे और 3 कलर्स आप ऐड और कर सकते हो इसके अंदर। और अगर हम बात करें नोटिफिकेशन के बारे में, तो नोटिफिकेशन में हमको ये चेंज देखने मिलेगा कि अगर आपको कोई आपका दोस्त आपको मैसेज करता है तो उसका जो कॉन्टैक्ट प्रोफाइल है आपको नोटिफिकेशन बार में देखने मिल जाएगा, और जो ऐप से आपको नोटिफिकेशन आया उसका ऐप आइकन आपको थोड़ा लार्ज दिखेगा। अगर हम बात करें दूसरे चेंजेस की, तो हमको मिलेगा लाइव टैक्स। लाइव टैक्स हमको इसमें नया मिलेगा कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है और उसमें कोई टैक्स मैसेज है तो आप उस पे से ही आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और अगर उसमें कोई नंबर है तो हम डायरेक्टली उससे बात कर सकते हैं। और हमको सबसे बड़ा चेंज मिलेगा सीरी पर। अगर हम आज तक हम सीरी इंटरनेट कनेक्शन से ही यूज़ करते आए हैं, पर हमको इस बार सीरी में ये चेंज मिलेगा कि अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी हम सीरी यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें ये चीज़ सपोर्ट सिर्फ उस फ़ोन में करेगी जिसमें A12 बायोनिक चिप है और इससे बढ़ के कोई चिप है। तो अगर सीरी के बाद हम चेंज की बात करें, तो हमें सबसे बड़ा चेंज मिलेगा फोकस। फोकस में हमको ये मिलेगा कि अगर हम ऑफिस में हैं तो हम सिलेक्टिव ऐप के ही नोटिफिकेशन हमको ऑफिस टाइम में मिलेंगे, और जैसे ही हम घर चले जाएंगे तो हमारे जो पर्सनल मैसेजेस हैं वो हमको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में, और हम जब घर पे आएंगे तो हम पर्सनल यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हेल्प पे। तो हेल्प पे हमको ये मिलेगा कि जब हमारा फ़ोन हमारी पॉकेट या पर्स में है तो हमारा वॉकिंग एनालिसिस होगा, जिससे कि हम हमारा स्ट्रेंथ और हमारे बैलेंस का बैलेंस पे एक रिपोर्ट बनेगी जो है रिक्स ऑफ फॉलिंग तो नहीं, और हमारे वॉकिंग स्टडीनेस कम या बहुत कम होगी, या हम गिरने वाले होंगे तो हमको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो और भी चेंजेस आपको मिलेंगे, जैसे कि चेंजेस है मैप में, वॉलेट में और ये हेल्थ में, पर ये चेंजेस इंडिया के लिए नहीं है इसलिए मैं आपको और डिटेल्स नहीं दे पाऊँगी। जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और कौन से फ़ोन पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना पसंद करोगे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपके पसंदीदा फ़ोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट रुको, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जाना मत भूलना। और अगर आप भी नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो पुराना फ़ोन कैश कर पे कैश करना मत भूलना। पुराने फ़ोन की अच्छी कीमत आपको सिर्फ कैशकर.com.in पर ही मिलेगी। तो प्लीज़ कैश कर पे जाए और अपने पुराने फ़ोन को बेचिए। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। बाय।